तो फाइनली आ चुके मास महाराजा आदिवगन के एक और नए एपिसोड में वापस। तो सिंघम अगेन के बाद शायद एंड रे टू से पहले शायद एक और अजय देवगन की फिल्म रिलीज है गाइस हो सकती है। जी हाँ मेरे भाई, ये हमारे लिए भी सरप्राइज होगा। लेट्स सी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आएगी या फिर नहीं आएगी। शायद हमें एक और बड़ा क्लैश है वो देखने को मिल सकता है सिंघम अगेन आफ्टर। देखो, आप सभी को याद होगा 2023 ईयर शुरू में एक अभिषेक कपूर जो ने अपनी फिल्म अनाउंसमेंट की थी, जिसमें एज अ लीड रोल में अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन थे एंड रवीना टंडन जी की डॉटर यानी कि राशा जी इस फिल्म में एज अ लीड रोल में थी, जो कि एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी। एंड 23 में मेकर्स ने अनाउंसमेंट किया, इवन इसका टाइटल शराबी था, एंड ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि ये फिल्म आएगी 2024 फरवरी में। भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इवन 23 ईयर कंप्लीट हुआ, 24 ईयर भी कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला है। भाई हम दिवाली में बिल्कुल क्लोज खड़े हैं एंड अब तक की बात करें इस फिल्म का कोई अता पता नहीं है, क्या चल रहा है मेरा भाई। देखो अजय देवगन की बात करें, उनका इसमें एक छोटा सा कैमियो था एज अ एक्सटेंडेड। देखो अब ये राशा जी हो या फिर अमन जी हो, इतने बड़े स्टार तो हैं नहीं है कि इनको कौन आएगा भाई देखने के लिए। तो अजय देवगन एक बड़ा मेकर सा नाम यूज़ किया एंड अमन देवगन जो कि अजय देवगन के पति जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि चलो अजय देवगन ने भी इस चीज़ के लिए एग्री है वो कर दिया होगा। तो अब इस फिल्म की बात करें, देखो अभी मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट टीज़र है वो सेंसर करवाया है। जा भाई अनाउंसमेंट टीजर सेंसर करवाया, हम तो भाई भूल ही चुके थे। मैंने बताया भी था आप सभी को 23 में, इवन 24 शुरू में कि ये पिक्चर आ सकती है, बट भाई भूल चुके थे। इवन कोई भाई अपडेट ही नहीं आ रहा था, इवन मेकर्स ने कोई ऑफिशियली पोस्टर तक भी नहीं दिया। तो अभी इन्होंने भाई एक टीजर सेंसर करवाया एज अ अनाउंसमेंट वीडियो। ये हमें कब तक देखने को मिलेगा, लेट्स सी गाइस, अब ये देखना दिलचस्प होगा। एंड अब इसका टाइटल सुनने में आ रहा है कि भाई आज़ाद कर दिया है। जी हाँ मेरे भाई, अब इसका टाइटल आज़ाद है वो रहने वाला है। अभिषेक कपूर की बात करें, उन्होंने इससे पहले चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म बनाई थी, इवन केदारनाथ सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ, जो कि अच्छा सा भाई बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन भी किया था। एंड अब इन्होंने ये जो टीज़र सेंसर करवाया है, तो या इसका मतलब कि हमें जल्दी ये फिल्म है वो देखने को मिलेगी। शायद जो ये अनाउंसमेंट वीडियो है मेकर शायद सिंघम अगेन के साथ भाई इसको अटैच है वो कर सकते हैं दिवाली में, एंड हमें डिजिटली भी शायद ये दिवाली में ही देने वाले हैं। लेट्स सी, इंतज़ार रहेगा। एंड कब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक है वो दे सकती है। देखो अभी इसमें अजय देवगन का कैमियो है, वो प्रमोशन तो नहीं करेंगे, प्रमोशन सिर्फ अमन एंड आयशा जी करेंगे, बट देखो नाम तो है भाई अजय देवगन का। अगर ये पिक्चर भाई फ्लॉप हुई, अगर पिक्चर भाई ये फ्लॉप हुई तो या सम भाई टैग करेंगे, इवन बोलेंगे यार अजय देवगन की फिल्म है फ्लॉप हो चुकी है, जो कि एक्चुअल में ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। हाँ अगर हिट हुई तो शायद कोई अजय देवगन का नाम भी नहीं लेगा इसमें। तो देखो अभी नवंबर में आना शायद नहीं आएगी, ये डिफ़िकल्ट है। अभी सिंघम आ रही है, भूल भुलैया 3 आगे कंगू आ रही है, तो शायद ये डेट सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट दिसंबर की बात करें, पुष्पा 2 आ रही है, छावा आ रही है, इवन क्रिसमस फुल है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे भी आना शायद ठीक नहीं रहेगा, ऊपर से स्टारकास्ट इसमें बड़ी नहीं है। नेक्स्ट जनवरी की बात करें, तो यह जनवरी अभी देखा जाए फिलहाल तो भाई मेरे को एम्प्टी दिख रहा है एज अ हिंदी फिल्मों की बात करें। अब तक की बात करें कोई भी फिल्म की रिपब्लिक वीकेंड में ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ स्पेकुलेशन है कि स्काई फोर्स आ सकती है, मे बी कोई सनी देओल की आ सकती है, बट ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। तो या जनवरी में ये पिक्चर आ सकती है, जो कि फरवरी में आना शायद सही नहीं होगा। आगे रे 2 भी आ रही है, हाँ अजय देवगन की फिल्म तो नहीं है ये, एज आ एक कैमियो है उनका, बट फिर भी यार आप जनवरी में आ सकते हैं। तो जनवरी रिपब्लिक वीकेंड में आना शायद एक अच्छा डिसीजन होगा। अगर स्काई फोर्स आती भी है तो आप देखोगे अक्षय कुमार खुद फॉर्म में नहीं है, उनकी फिल्में खुद नहीं चल रही हैं, तो आप वहाँ पर क्लैश है वो कर सकते हैं। हाँ सनी देओल अगर नहीं आते हैं, अगर सनी जी आते हैं फिर अक्षय कुमार भी हो गए फिर ये वाली फिल्म, तो शायद फिर ये डेट अच्छी नहीं होगी। अब देखते हैं मेकर्स भाई कब तक ये ऑफिशियली कंफर्म है वो कर दें, बट मैंने जो सुना है कि दिसंबर एंड जनवरी ये कुछ भाई इसकी डेट है वो हो सकती है एज अ रिलीज़ की बात करें। लेट्स सी, अब वेट करते हैं। एंड एक्शन एडवेंचर अभिषेक कपूर ने ऑलमोस्ट 2 ईयर का भाई टाइम दिया है इस फिल्म को, तो या उम्मीद करते हैं कि भाई ये फिल्म अच्छी होगी। एंड अमन देवगन एंड आशा की बात करें, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये बड़े सुपरस्टार है वो बनेंगे। एंड अजय देवगन भाई इनको लॉन्च कर रहे हैं, तो लेट्स सी गाइस, अब ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी कलो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।